एहसान गिनाऊं, तू देकर भूलने वाला तेरा हर पल शुक्र मनाऊं। आइए ठाकुर की कृपा का धन्यवाद करें, मिलके उसकी कृपा को याद करें और मिल करके गाएं। शुरू कर दी ना तो समझिए क्या हाल होगा। मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं, मंदिर जाइए, 5 मिनट के लिए जाइए, 10 मिनट के लिए जाइए, लेकिन 10 मिनट समर्पित होने चाहिए। ठाकुर के चरणों में आधे घंटे बैठे लेकिन समर्पित हो। इतनी बड़ी विपदा आई इन 8 महीनों में, अभी भी आपको रिश्तेदारियों का चक्कर पड़ा हुआ, कोई रिश्ते काम नहीं आ रहे थे, हर वक्त वही याद आ रहा था, वही काम आ रहा था, पर अभी भी अगर ना समझ में आया हो तो इससे ज्यादा समझ में कभी नहीं जीवन में आएगा इंसान को। इसलिए मैं कहता हूं उससे जो रिश्ता बनाइए पक्का बनाइए। ऐसा नहीं कि कीर्तन फॉर्मेलिटी बन के रह गया, चलो यार कीर्तन करवाने हो जाए बस ऐसे ही है, ऐसा नहीं। आओ मीठी मीठी तालियां बजा के थोड़ी देर के समर्पित हो। एक पूरी आस हुई तो हम कह
कैसे हैं ठाकुर। जब हमने अपने अंदर झांका तो पाया एक पूरी आस हुई तो दूजी फरियाद लगाई, एक पूरी आस हुई तो दूजी फरियाद लगाई। लोगों को तो एक गिलास पानी के बदले भी थैंक यू बोल दिया हमने, किसी ने एक वक्त खाना खिला दिया प्यार से कोई अच्छी चीज बना के खिला दी तब भी थैंक यू बोल दिया, लेकिन तुमको तुम तो थैंक्स ना बोल सके। हमारी दूसरी अर्जी आ गई आपके आगे कि ठाकुर अब ये दिया अब ये दे देना। आज बहू दी है अब पोता दे देना, कल पोता दे दिया तो अब इसे पढ़ा लिखा के बड़ा भी कर देना। एक पूरी आस हुई तो दूजी फरियाद, प्रभु याद तुम्हारी आई। तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे बाबा, सपनों के महल सजा तू देकर भूलने वाला, मैं हर दम हाथ फैला श्री शिव।